रीवा में पति के सामने पत्नी से हुए गैंगरेप के मामले में अब एक नई नई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। घटना की शुरुआत 6 आरोपियों द्वारा गैंगरेप से हुई, जिसके बाद पुलिस की जांच में आरोपियों की संख्या बढ़कर 8 हुई। फिर घटना से ठीक पहले आरोपियों द्वारा की गई पार्टी का वीडियो वायरल हुआ और अब वारदात के दौरान पार्टी में शामिल शख्स का एक और वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह घटना से जुड़ी हुई मनगढ़ंत कहानी बता रहा है। दरअसल गैंगरेप की घटना के आरोप में शामिल एक शख्स का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह घटना का जिक्र तो सही सही कर रहा है और अपने साथियों द्वारा घटना को कारित करना भी बता रहा है, लेकिन वह खुद को नशे में चूर होने के कारण पूरी तरह से निर्दोष भी बता रहा है। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं गैंगरेप के संदेही युवक के वायरल वीडियो में क्या कहा है। ये हम लोग गुड़ के पास भैरव बाबा के मंदिर है, वहाँ गए थे घूमने, वहाँ नहा रहे थे, खाना पीना बनाए वो लोग खाए और उसके साथ ही मुझे जबरदस्ती गांजा और दारू पिला दी गई। मैं नशे में था, अचानक एक लड़की और लड़के आए सिलेंडर से, पर एक बड़ी सी चट्टान थी उसके पीछे वो लोग गलत काम कर रहे थे वो, तो फिर हम लोग जो है तो वो बताएं एक आए कि हम लोगों को। तुम काफ़ी नशे में थे? हम बहुत ज़्यादा नशे में। कितने लोग थे? हम 5 लोग थे, 3 लोग साइकिल से आए थे। कितने लोग गैंगरेप किए हैं? अब ये मुझे नहीं पता कितने लोग, चार पाँच लोग किए हैं लगता है। फिर मैं करने के बाद वो सब जो किए, फिर वो लड़की मेरे पास आई, बोली भैया मोबाइल दिला दो, मेरी वन प्लस की मोबाइल ली थी। तो फिर हम जो मतलब मोबाइल लिया था उससे ज़बरदस्ती छीन कर उसको हमने मोबाइल भी उसकी दिलवाया। वीडियो भी बनाए थे? मैं भी उसकी वीडियो बनाया था गाड़ी की। वो बोली कि नहीं, रेप का भी वीडियो बनाए थे? नहीं, वो मेरे को नहीं पता है कि वो लोग बनाए थे कि नहीं बनाए थे। कब की घटना है ये? 21 तारीख को दोपहर की घटना। ठीक, तो यह था उस शख्स का वायरल वीडियो जो गैंगरेप की वारदात के दौरान मौके पर तो मौजूद था, लेकिन अब वह इस वायरल वीडियो में खुद को निर्दोष बता रहा है। फिलहाल यह शख्स पुलिस की हिरासत में है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। बता दें कि वायरल वीडियो में गैंगरेप के संदेही ने जो कहानी सुनाई है, उसके मुताबिक वह अपने साथियों के साथ पार्टी करने भैरव बाबा मंदिर स्थित पहाड़ गया हुआ था। संदेही शख्स के मुताबिक पार्टी के दौरान उसे जबरन शराब और गांजा पिलाया गया, जिससे वह पूरी तरह से नशे में धुत हो गया। उसने बताया कि जिस जगह पर वह पार्टी कर रहे थे उससे कुछ ही दूरी पर युवक और युवती बैठे थे जो गलत हरकतें कर रहे थे। तभी उसके कुछ और साथी मौके पर पहुंचे और उन्होंने युवक और युवती के बारे में बताया, जिसके बाद 4 से 5 साथी मौके पर पहुंचकर मौजूद युवती के साथ गलत किए। इस पूरी वीडियो में युवक ने खुद को तो निर्दोष बताया है और अपने साथियों को गुनहगार बताया। हालांकि संदेही शख्स की बातों पर कितनी सच्चाई है यह तो पुलिस की पूछताछ के बाद ही पता चलेगा, लेकिन वारदात से पहले पार्टी के वायरल वीडियो में उक्त संदेही शख्स खुद वीडियो बनाता नजर आ रहा है।